हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे घर पे क्लीन अप एवरी यूथ के इन दो प्रोडक्ट के साथ, जो स्क्रब और पिलो मास्क है। इनके साथ आप घर पे बहुत ही आसानी से क्लीन अप कर सकते हैं और पार्लर जैसा ग्लो पा सकते हैं। मेरी स्किन बहुत ज़्यादा डल हो गई थी, जो होली पे मैंने कलर खेला है। देख सकते हैं मेरे हाथों के ऊपर बहुत ज़्यादा कलर लगा हुआ है, तो आप देख पा रहे होंगे, तो फेस के ऊपर भी लगा हुआ था, तो मैंने सोचा क्लीन अप कर लेते हैं। सो मैंने आपके साथ भी शेयर कर दिया है। तो फर्स्ट स्टेप आती है क्लिंजिंग की। यहाँ पे मैं रॉ मिल्क ले रही हूँ, आप क्लिंजिंग भी ले सकते हो। इसे मैं कॉटन से अपने फेस के ऊपर अप्लाई करूँगी। हमें इसे अपने फेस पर एंड नेक पर अप्लाई करना है अच्छे से रॉ मिल्क को। ये हमारी स्किन की जितनी भी डैट स्किन है को रिमूव करेगा, जितने भी हमारी स्किन के ऊपर जो धूल मिट्टी कुछ भी पॉल्यूशन लगा हुआ होता है ना, उनको सबको बहुत ही आसानी से क्लीन करता है। अब मैंने यहाँ पर फेस के ऊपर अच्छे से लगा लिया है। रो मिल्क भी क्लिंजिंग का बहुत अच्छे से काम करता है, अच्छा वर्क करता है। जैसे क्लिंजिंग करता है वैसे ही रो मिल्क भी करता है। इसकी जगह आप दही भी ले सकते हैं। अगर आपके पास दही है तो आप दही का यूज कर सकते हैं, रो मिल्क यूज कर सकते हैं और क्लिंजिंग का यूज कर सकते हैं। अच्छे से हमें इसकी 2 मिनट की मसाज करनी है। 2 मिनट तक हमें अच्छे से मसाज देनी होती है अपने फेस के ऊपर। मेरे यहाँ पे 2 मिनट पूरे हो चुके हैं। अब मैं इसे कॉटन से अच्छे से रिमूव कर लूँगी। देखेंगे आप, बहुत ही अच्छे से ये रिमूव करता है, जो हमारी स्किन के ऊपर जितने भी डेड सेल्स होते हैं ना, उनको सबको रिमूव कर देता है बहुत ही आसानी से। इस तरह से हमें क्लीन कर लेना है कॉटन पैड से। इसके बाद मैं गीली हैंकी से अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लूँगी। अब सेकेंड स्टेप आता है स्क्रब। ये मैंने एवर यूथ का स्क्रब लिया है। ये आपको मार्केट में 15 रुपये में आसानी से मिल जाएगा। इसका बड़ा पैकेट भी आता है। आप कोई और भी स्क्रब यूज कर सकते हैं, अगर आपके पास जो भी अवेलेबल हो। तो आज मैं यूज कर रही हूँ एवर यूथ का ये 15 रुपये वाला पाउच स्क्रब। बहुत ही अच्छा स्क्रब आता है। इसके इस तरह से हमें थोड़ा सा ले लेना है। इसमें एक बार में पूरा बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो आप इसमें से आधा यूज कर सकते हैं। मैं अपनी फिंगर टिप्स पे लूँगी। आपको जब भी स्क्रब करना हो, आप अपनी फिंगर टिप्स की हेल्प से ही स्क्रब करोगे अच्छे से। जहाँ पर हमारी स्किन के ऊपर जो ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स है, वहाँ पर हमें ज़्यादा फोकस करना होता है और बहुत ही जेंटली हैंड चलाना होता है हमें। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, अपर डायरेक्शन के अंदर आपको अपनी फिंगर टिप्स को चलाना है बहुत ही स्लोली स्लोली। स्क्रब हमारी जो डेड स्किन होते हैं उनको रिमूव करता है, साथ ही ये वाइट हेड ब्लैक हेड्स को भी रिमूव करता है बहुत ही अच्छे से। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना स्क्रब के, वो थोड़े मोटे होते हैं, तो हमें बहुत ही स्लोली हैंड चलाने होते हैं। एंड जो हमारी स्किन के ऊपर डेड सेल्स जमा होते हैं ना, उनको बहुत ही आसानी से क्लीन कर देता है। हमारी जो पोर्स के अंदर जो गंदगी जमा होती रहती है ना, उसको बहुत ही आसानी से क्लीन कर देता है। तो ये बहुत ही अच्छा स्क्रब है, आप इसे वीक में एक बार जरूर यूज करें। एंड जो इसमें जो आधा स्क्रब बचा हुआ है ना, उसको आप अपनी बॉडी पर यूज कर सकते हैं। एक बार में आप अपने फेस के ऊपर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो आप एक बार में इसे यूज ना ही करें। और नेक पे भी हमें अच्छे से स्क्रब करना है, नेक को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। काफ़ी ज़्यादा नेक के ऊपर जो डैट स्किन जमा हो जाती है ना, उसको रिमूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, नहीं तो वो धीरे धीरे जमते जमते बहुत ही भद्दा लगने लग जाता है। तो आपको इस अपने नेक के ऊपर भी अच्छे से स्क्रब करनी है। स्क्रब हमें 3 से 4 मिनट करनी होती है। यहाँ पे मेरे 4 मिनट पूरे हो चुके थे, मैंने फेस वॉश अच्छे से कर लिया है। अब अपने फेस को अच्छे से ड्राई कर लूँगी। सारा पानी हमें अच्छे से पोंछ लेना है। अब आती है थर्ड स्टेप की। थर्ड स्टेप के लिए मैं ले रही हूँ एवर यूथ का ये पिलो मास्क, गोल्डन ग्लो पिलो मास्क है। इसमें गोल्डन पार्टिकल्स है, तो यह हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा ग्लोई डूई बनाता है। मैं अपने फिंगर टिप्स की हेल्प से ही अपने फेस एंड नेक पर अप्लाई करूँगी इस तरह से। आप पिलो मास्क की जगह आप फेस पैक का भी यूज कर सकते हैं। आपके पास जो भी फेस पैक हो वो आप लगा सकते हैं, या अगर आपके पास फेस पैक नहीं है तो आप घर पे भी बहुत आसानी से फेस पैक बना सकते हैं और अपने फेस नेक पे अप्लाई कर सकते हैं।
आप चाहे तो इसे ब्रश की हेल्प से भी लगा सकते हैं या अपने फिंगर टिप से भी लगा सकते हैं, बहुत ही आसानी से लग जाता है ये। तो मैंने यहाँ पे अपने फेस नेक पर अच्छे से लगा लिया है, देख सकते हैं आप। अब मैं इसे 15 मिनट तक रखूँगी जब तक ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर मेरा ये ड्राई हो चुका है बहुत ही अच्छे से। तो इसे अब मैं रिमूव कर लूँगी। आपको जब भी रिमूव करना हो तो आपको नीचे से ऊपर की तरफ ले जाते हुए रिमूव करना है, अपर डायरेक्शन में ही आपको रिमूव करना है, नहीं तो आपकी स्किन लटक सकती है, रिंकल्स पड़ सकते हैं, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। और हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि पिलो मास्क रिमूव करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है, पेन होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इतना ज़्यादा पेन भी नहीं होता कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाओ, बस थोड़ा बहुत पेन होता है, हल्का फुल्का सा, आप देख पा रहे होंगे, कुछ भी पेन नहीं होता है। बस आप बहुत ही आसानी से रिमूव कर सकते हो अपने पिलो मास्क को। और अगर आपको इंस्टा ग्लो एंड ड्यूई फेस चाहिए तो आपको इतना बहुत तो सहना ही पड़ेगा, बहुत ही आसानी से आप इसे रिमूव कर सकते हो। और ये हमारी स्किन के जो हेयर्स होते हैं ना उनको बिल्कुल भी रिमूव नहीं करता है ये पिलो मास्क, जो हमारे स्किन पर डैट स्किन होते हैं ना उनको रिमूव करता है, बट ये बहुत अच्छा ग्लो भी दे देता है हमारे फेस के ऊपर। आप देखेंगे, देख सकते हैं बहुत ही आसानी से मैंने इसको रिमूव कर लिया है और फेस के ऊपर बहुत ही प्यारा सा ग्लो भी आ चुका है। आप देखेंगे मेरे फेस के ऊपर बहुत अच्छा सा ग्लो आ चुका है। आप इस तरह से क्लीन अप घर पे कर सकते हो बहुत ही आसानी से। आप इन 3 स्टेप के साथ आप घर पे बहुत ही आसानी से क्लीन अप कर सकते हो और पार्लर जैसा ग्लो पा सकते हैं। तो यही था मेरा आज का वीडियो, आई होप आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा गाइज। सो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।